ओके तो आज हम डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है ना। आज का जो मेरा चैप्टर है, आराम से समझना भाई, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स कर देता हूँ। एक मिनट रुको भाई, अब तक आप बताओ भाई, दिख रहा है? यस सर, ठीक है ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ओके भाई, ये मेरे पास मेरा चैप्टर है भाई, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। अब भाई अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का और फंक्शन का मीनिंग क्लियर है ना, तो आपको इनवर्स समझ में आ जाएगा, राइट। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक और फंक्शन में प्रॉब्लम है, तो इनवर्स में भी प्रॉब्लम होगी। आराम से समझना भाई। सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, उसके बाद इनवर्स में लेके जाऊंगा, बिल्कुल आराम से समझना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भाई साइन फंक्शन को, ठीक है ना। आपको पता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिक्स टाइप के होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और कोट, ठीक है ना। साइन फंक्शन को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आराम से समझना भाई। साइन फंक्शन किसको डिस्कस करेंगे आज हम? साइन फंक्शन को। देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, मैंने एक सर्कल ले लिया भाई, ठीक है ना। मैंने आपके पास क्या लिया भाई, एक सर्कल लिया है, ठीक है ना, सर्कल, राइट। और इसकी मैंने रेडियस मान ली वन, कितनी मान ली, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर मान लो, कुछ मान लो, इसकी मैंने रेडियस मान ली 1। अगर बेटा सर्कल की जो रेडियस होती है ना 1 होती है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, यूनिट रेडियस का सर्कल। यूनिट का मतलब होता है 1 और रेडियस का मतलब होता है जो सर्कल की जो वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक है ना। मैंने यूनिट रेडियस का, मैंने क्या किया बेटे, यूनिट रेडियस का एक सर्कल मान लिया, ठीक है ना। इस तरफ मैंने यूनिट रेडियस लिखा है, ठीक है ना, ज्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है ना। मैंने यूनिट रेडियस का एक सर्कल बना लिया, राइट। अब मैंने क्या किया बेटे, देखो यूनिट रेडियस का मतलब इसकी जो रेडियस है ना बेटा, वो कितनी है, 1। अब आराम से समझना भाई, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। यहीं से मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ठीक है ना। मैंने एक सर्कल बना लिया, वीडियो क्लियर है भाई, बताओ। अब क्लियर है ना, तो बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, ठीक है ना। हाँ जी, अगर आप क्लियर है तो अब सर्कल भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। हाँ, अच्छे तरीके से दिख रहा है। आप बिल्कुल ध्यान से देखो भाई, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स डैश एक्सिस है, और ये मेरे पास वाई डैश एक्सिस है, राइट। अब मेरी बात समझो, ये क्या है मेरे पास, ओरिजिन, सेंटर, ठीक है ना। मैंने एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस 1 है। इसका मतलब भाई ये पॉइंट क्या आ गया, एक्स आता है पहले, 1 और 0, मेरी बात समझ में आई ना। पॉइंट कैसे लिखते हैं, पहले एक्स फिर वाई, 1 है वाई, यहाँ पर 0 है, ये पॉइंट क्या है भाई बताना। ऐसे चलोगे ना, 0 और 1। हाँ भाई गोपाल, कोई प्रॉब्लम? देखो मैंने क्या किया, ये पॉइंट 1 0 लिख दिया, एक्स वाई लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, पहले एक्स फिर वाई। यहाँ पर बताओ वाई तो 0 है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1, और यहाँ पर क्या होगा भाई आर्यन, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम भाई बताओ। मैंने पॉइंट लिखे हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या लिखे हैं बेटा, दोबारा रिपीट करता हूँ। एक सर्कल लिया जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, अब मैंने पॉइंट लिख दिया 1 0, एक्स पे हो तो एक्स के पॉइंट लिखते हैं, वाई के 0, वाई पे होगा तो वाई के पॉइंट लिखेंगे एक्स के 0, राइट। अब यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस होता है, नीचे वाला माइनस होता है, तो वाई माइनस आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, आई होप, ठीक है ना। मैंने क्या किया, सर्कल पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसका नाम रख दिया पी। आराम से समझना भाई, बिल्कुल, जिसका क्या नाम रख दिया पी, ठीक है ना। मैंने क्या किया, सर्कल पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, जिसका नाम रख दिया पी, और मैंने क्या किया, इस पी को ओरिजिन से मिला दिया, ओके, और ओरिजिन का नाम रख दिया ओ। आराम से समझना बिल्कुल ध्यान से, पी पॉइंट लिया मैंने, ओरिजिन से मिला दिया, और इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम लिख दिया मैंने आर, क्या कर दिया भी आर। अब मेरी बात समझना, पी ओ आर एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बन गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सभी बच्चों की समझ में आ गया, अच्छे तरीके से आ गया। इसको मैंने मान लिया ए और इस साइड मान लिया बी, कुछ भी मान लो, एक्स वाई आर ऐसे मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, समझ में आ गया अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से। अब मेरी बात समझो बिल्कुल ध्यान से, मैं बोलता हूँ साइन थीटा, बताओ साइन थीटा, आप साइन थीटा आपके दिमाग में आएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या है बेटे, पी आर,
परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास पी आर, हाइपोटेनस क्या है ओ पी, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलो जी पी आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू क्या होती है बी और ओ पी। बेटे रेडियस कितनी है सर्कल की, ये तो रेडियस है ना ओ पी। अरे ऐसे कोई भी सर्कल सपोज करो उसको कैसे भी मिलाऊं सेंटर से तो रेडियस बनेगी ना, और रेडियस कितनी है सर्कल की बेटे वन। तो यू कैन से दैट, आप बोल सकते हो बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास बी। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है, आई होप बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा। ठीक है ना, मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने एक सर्कल ले लिया जिसकी रेडियस वन मीटर वन यूनिट मान लिया अपने, उसके बाद क्या किया मैंने एक पॉइंट पी लिया, ओरिजिन से मिला दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, साइन थीटा लगाया। सिमिलरली मैं बात करता हूं अगर कोस थीटा की, बिल्कुल आराम से समझना भाई, ये पता लगेगा आपकी समझ में आ गया। कोस थीटा की बात करता हूँ, कोस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है ओ आर डिवाइड बाय, हाइपोटेनस क्या है ओ पी। ठीक है ना, ओ आर क्या माना था अपने ए और ओ पी की वैल्यू क्या है वन, आंसर क्या आ गया भाई ए। तो इसका मतलब आपने निकाल दिया कोस थीटा क्या निकाला भाई ए निकाला। देखो अब मेरी बात समझो, कोस थीटा की वैल्यू ए, साइन थीटा की वैल्यू बी, राइट। अब आपको पता है पी के कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट क्या आए थे आपके पास ए बी आए थे ना, ये लिखे थे आपने, देखो बिल्कुल ध्यान से देखो इस तरफ देखो, पी के कोऑर्डिनेट क्या लिखे थे आपने ए बी, यहाँ पर बोल देता हूँ मैं, पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए भाई ए और बी, देखो एक्स और वाई, राइट। पी के कोऑर्डिनेट ए बी हो गए, तो ए की वैल्यू पुट कर दो जो आपने निकाल ली थी, ए की वैल्यू निकाली थी कोस थीटा और बी की वैल्यू निकाली थी साइन थीटा। बस यही समझाना था, यही आपकी समझ में आ गया। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। P की वैल्यू कोस थीटा और A की वैल्यू साइन थीटा, आगे बिल्कुल ध्यान से देखो, सॉरी A की वैल्यू कोस थीटा, B की वैल्यू साइन थीटा, अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो आगे मैं मूव करता हूँ, ठीक है ना, यही बात समझानी थी मेरे को। अब मैं क्या करता हूँ बिल्कुल ध्यान से देखो, ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, साइन फंक्शन को ही डिस्कस किया मैंने, मैं समझाई साइन फंक्शन को रहा हूँ आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, मैंने बता दिया कहाँ से लेके आया हूँ, मैं दोबारा देखता हूँ बेटे, मैंने एक सर्कल बनाया, आराम से समझना बिल्कुल ध्यान से, वन यूनिट, ठीक है ना, यूनिट रेडियस जिसकी रेडियस क्या है वन, ओके। हाँ इसको एक्स बोलते हैं, थोड़ा सा मैंने बाहर कर दिया इसको, ठीक है ना, थोड़ा सा ताकि आपको अच्छी समझा सकूं। ये क्या आया था मेरे पास वन जीरो, सबसे पहले एक्स लिखते हैं, वाई जीरो होगा, यहाँ पर एक्स जीरो होगा, वाई वन होगा, नेगेटिव में आओ माइनस वन जीरो और जीरो और माइनस वन, वाई डैश एक्स डैश एक्स और वाई, ये मैंने नाम रख लिया। मैंने क्या किया बेटे, एक पी एक पॉइंट लिया, उसको ऐसे मिला दिया, उसको ऐसे मिला दिया, एक साइड को मैंने ए मानना था, एक साइड को मैंने बी मानना था, पी पॉइंट ए बी आ गया था, तो ए बी की वैल्यू मैंने निकाल दी थी, ए की वैल्यू निकली थी कोस थीटा और बी की वैल्यू क्या निकली थी साइन थीटा। बस अब कुछ नहीं है, अब तो खेल है बेटा, चलो खेलते हैं बिल्कुल ध्यान से देखो। यहाँ पर जो मैं बताऊंगा ना वो समझना बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको निकालना सिखाऊंगा वैल्यूज, जिन वैल्यू पे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आप आराम से ग्राफ बना सकते हो। देखो मेरी बात समझ, अब मैं बात करता हूँ साइन फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं, साइन जीरो डिग्री, मेरी बात समझना बिल्कुल ध्यान से आराम से, नीचे आ जाओ, ये एंगल है ना, जीरो का मतलब क्या होगा, कोई एंगल, देखो जीरो का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई एंगल बना रखा है, पोज करो ये कोई एंगल है, मैं बोलता हूँ जीरो डिग्री, जीरो डिग्री का मतलब ये वाली लाइन ऐसे मिल जाएगी, अरे नहीं समझे, पोज करो ये कोई एंगल है 90 डिग्री का, मैं बोलता हूँ जीरो डिग्री में कन्वर्ट करो, इसको ऐसे मिला दो, इसी लाइन से मिला दो, ठीक है। अब मैंने किया साइन जीरो डिग्री का, जीरो डिग्री का मतलब इसको इस लाइन से मिला दो, जब इस लाइन से मिलाओगे साइन दूसरा पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट पकड़ो, वैल्यू क्या आ रही है जीरो, बहुत अच्छे आप तो समझ में आ गया सर, जीरो डिग्री, ये क्वाड्रेंट ऐसे ही तो होता है बेटा, क्वाड्रेंट समझो, जीरो इधर क्या होता है 90, इधर क्या होता है 180, फिर क्या होता है 270, फिर क्या होता है 360, इसी तरीके से क्वाड्रेंट तो होते हैं, ठीक है ना, कैसे होते हैं जीरो 90 180 360, ओके। जीरो के बाद कहाँ आएंगे हम 90 पे, साइन 90, 90 को बोलते हैं हम पाई बाय टू, क्या बोलते हैं हम पाई बाय टू, 90 को क्या बोलते हैं हम पाई बाय टू, क्लियर हो गया ना बेटा, 90 को पाई बाय टू, पाई बाय टू पे आए दूसरे वाला, देखो साइन थीटा तो दूसरे वाला होता है, आंसर आएगा वन, निकालनी आ गई, ओके नहीं आई सर, दोबारा देखो 90 के बाद जाएंगे हम 180 को बोलते हैं पाई, या डायरेक्ट 180 लिख दियो आप, देखो
इस लाइन पे गए, इस लाइन पे गए, इस लाइन पे आ जाओ, इस लाइन पे साइन की वैल्यू क्या है, जीरो। सेकंड वाला पॉइंट पकड़ना आपको, तो बस दिमाग पे ज्यादा जोर ही नहीं देना। 180 के बाद आए हुए आप 270 पे, अरे 9 की टेबल पढ़ दो, 0, 9, 18, 27, 36 वही तो काम कर रहे आप, 0 degree, 90, 180, 270, 360 पीछे 0, 0 लगा दिया। अब बेटे उसको लिखते हैं हम, 260 को लिखते हैं 3π/2, राइट। अब देखो 260 ये गए, वैल्यू क्या आई, सेकंड वाला पकड़ो, ये वाला छोड़ दो -1। आई होप क्लियर होगा। ऐसे आओ 360 पे, 360 को बोलते हैं 2π, 360 को बोलते हैं 2π, 2π की वैल्यू क्या आई भाई, 0। देखो 360 पे क्या होता है, 0। कोई दिक्कत तो नहीं है वैल्यू निकालनी आ गई भाई, वैल्यू निकालना ऐसे देख लो भाई, अगर आरियन कोई सॉरी कोई प्रॉब्लम हो ना बच्चे आपको, तो आप इस तरीके से देख ले, देख सकते हो साइन 0° = 0y, ये वैल्यू 5/2। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको 90° लिख लो, ठीक है ना, 90° पे 1 आई, साइन 180° पे क्या वैल्यू आई बताना, आपके दिमाग में आया 0, साइन 270, 270° पे क्या वैल्यू आई, -1। फिर मैं इसकी एक आपको और आसान तरीका बताऊंगा, साइन 2π, 360° पे वैल्यू क्या आई भाई, तो आपका आंसर आएगा 0। ये आपकी अच्छे तरीके से समझ में आ गया, आई होप क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब थोड़ा सा और फास्ट मूव करते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मैंने साइन फंक्शन को डिस्कस किया थोड़ा सा, ठीक है ना, आप ग्राफ ग्रुप बनाएंगे अच्छे तरीके से, एक बार और समझो अच्छे तरीके से। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सर्कल बनाया, सर्कल की रेडियस मैंने क्या मानी भाई, सर्कल की रेडियस मैंने मानी 1 यूनिट, ठीक है। पॉइंट ये क्या होगा 1, 0, ये क्या होगा 0, 1, ये क्या होगा, ये होगा भाई आपके पास -1, 0, और ये क्या होगा 0, -1। अब दिमाग पे 0°, 90°, 180°, 270°, 360°, आई होप अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे अब थोड़ा सा देखते ही वैल्यू बता दो आप, अब इतना करने की जरूरत नहीं, वो आपको समझाने की था, ठीक है ना, वो आपको समझाने के लिए था। अब देखते ही आप वैल्यू बताओ, बताओ स्पीड में, वेरी गुड। साइन 0°, 0° का मतलब यहां से स्टार्ट हो गए, सेकंड वाला अक्षर पकड़ना है 0। मैं बोलता हूँ साइन 90° π/2 से डिनोट करते हैं, सेकंड वाला अक्षर चलो भाई बेटे 90 पे 1, पता लग गया तो ट्रिक समझ में आई ना। 7 साइन 180° को बोलते हैं पाई, सेकंड वाला अक्षर बेटा 0, बहुत अच्छे। उसके बाद नेक्स्ट बेटा साइन 180 के बाद 270, 3π/2 बोलते हैं जिसको, क्या है बेटे, क्या है, क्या है, क्या है? आपका आंसर सेकंड वाला अक्षर -1, फिर साइन 360, 360 को बोलते हैं 2π, आंसर सेकंड वाला अक्षर बेटा 0। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं थोड़ा सा और मूव करता हूँ, अब मैं डिस्कस करूंगा बेटा डोमेन और रेंज को, ठीक है ना। थोड़ा सा +1 का ही डिस्कस कर रहा मैं, +2 का करूंगा ना, आप बोलोगे कि सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज। बेटा डोमेन वो वैल्यू होती है जिसको आप पुट करते हैं, राइट, डोमेन वो वैल्यू होती है जिसको आप पुट करते हैं, रेंज वो वैल्यू होती है जो निकल के आती है। अब डोमेन देखो, डोमेन हम 0, 90, 180, 270, 360 ये पुट तो कर रहे हैं और निकल के ये आ रहा है, दिमाग में बैठ गई बात। मैंने क्या कहा, डोमेन वो वैल्यू होती है जो पुट करते हैं, पुट अलग अलग नंबर कर रहे हैं, इसका मतलब बेटा डोमेन क्या होती है, साइन की रियल नंबर, कुछ भी पुट कर दो रियल नंबर, देख लो अच्छे तरीके से समझ लो। डोमेन का मतलब जो वैल्यू पुट करें, और पुट तो हम अलग अलग नंबर करें, इसका मतलब रियल नंबर पुट करें, और रेंज निकल के क्या आ रहा है, निकल के आ रहा है मेरा आंसर 1 और -1 के बीच का, देखो ना 0, 1 और -1 के बीच में ही है, वेरी गुड। तो यही बात होती है जिसको आप रटते हो, ठीक है ना, आप तो क्लियर होगी ना, डोमेन साइन की रियल नंबर, रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब आंसर क्या आएगा साइन का, -1 और 1 के बीच का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, डोमेन रियल नंबर, रेंज -1 से 1। आई होप ये समझ में आया होगा आपके अच्छे तरीके से, अब जो मैं बात बताऊंगा इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, कर देता हूँ मैं रफ इसको, ठीक है ना, इसको बना बना रखते हैं। अब थोड़ा सा फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा किसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा, फंक्शन को। अब सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि जो फंक्शन है ना, जो फंक्शन है, अगर आप किसी वन और ऑन टू, वेरी गुड, क्या होना जरूरी है भाई, 1, 1 और ऑन टू, तभी तो आप फंक्शन का इनवर्स निकालोगे। वैसे आपको टिपिकल लग रहा है भाई, चैप्टर टिपिकल नहीं है,
अगर आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालते हो तो क्या निकालते हो, वन वन और वन टू। वन वन का मतलब क्या होता है कि डोमेन का एलिमेंट कोडोमेन के साथ कौन सी इमेज बनाएगा भाई, यूनिक इमेज, ठीक है ना, कौन सी इमेज बनाएगा भाई, यूनिक इमेज, एक अलग इमेज। और ओन टू क्या होता है, कोडोमेन का एलिमेंट क्या बन जाएगा, रेंज। अगर कोडोमेन के सभी एलिमेंट रेंज बन गए तो इसका मतलब ओन टू है। फंक्शन क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है। अब आते हैं इनवर्स की तरफ। अब देखो, सबसे पहले साइन का ग्राफ बनाएंगे हम अच्छे तरीके से, ठीक है ना। किस तरीके से बनाएंगे साइन का ग्राफ, अच्छे तरीके से साइन को अच्छे तरीके से समझा, अब ग्राफ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, राइट। ये आपके पास मैंने डायग्राम बना दिया अच्छा सा, ठीक है ना, ओके। अब ये बताओ मेरे को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताओ, साइन के डोमेन क्या होते हैं सर, रियल नंबर, रेंज क्या होती है, आंसर क्या था, माइनस वन और वन के बीच में आएगा, वो भी आपका आंसर आएगा किस किसके बीच में आएगा, वन के, वन लिख देता हूँ अच्छे वाला, ठीक है ना, और किसके बीच में आएगा बेटे, माइनस वन के, ओके सर बता दिया आपने, ओके। ये आपका ओरिजिन होता है, राइट। अब उसके बाद वैल्यू, सबसे पहले जीरो इधर रख दो आप 90, ठीक है ना, फिर इधर रख दो आप 180, मेरी बात समझ में आ रही है ना, हाँ, इधर रख दो 3π/2, ठीक है, इधर रख दो 2π, ओके सर, ये तो बात समझ में आ गया अच्छे तरीके से। सर अब नेगेटिव वाला समझा दो आप, ठीक है ना, पॉजिटिव वाला आपकी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेगेटिव वाला समझते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव वाला वैसे समझ लेते हैं एक बार। नेगेटिव वाला देखो, नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव देखो, पॉजिटिव में आप ऐसे चलते हो 0, 90, 180, 270, 360, रिकॉर्ड हो रहा है भाई, यूट्यूब से दोबारा देख लेना, ठीक है ना, समझ लो 0, 90, 180, 270, 360, बाद में ही नोट्स बनाने हैं इसके, एंटी क्लॉकवाइज चलते हो। लेकिन जब आप नेगेटिव में जाओगे ना तो कैसे चलोगे, क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज, राइट। अब मेरी बात समझना, सपोज करो एक सर्कल है, वही यूनिट रेडियस का, यूनिट रेडियस का मतलब आप इंटेलिजेंट बच्चे हो समझ गए अच्छे तरीके से, यूनिट रेडियस का मतलब क्या होता है कि जिसकी रेडियस वन हो। एक पॉइंट ले लो पी, ठीक है, ऐसे पॉइंट लिया, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसका नाम रखो ओ, इसका नाम रखो पी, ठीक है, ये रेडियस होगी, ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस आएगा ए और फिर आएगा बी, एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस, मेरी बात समझ में आई अच्छे तरीके से, ए बी। इसका मतलब क्या समझे बच्चे, ए बी का मतलब ए की वैल्यू कोस थीटा, बी की वैल्यू साइन थीटा, ओके सर, ओके। अब वो लिखो ना, एलिमेंट लिखो 1 0 0 1, माइनस 1 0, और इधर क्या आ गया 0 -1। अब देख इधर चलो, नेगेटिव में एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे मूव होंगे, देखो 0 sin 0 0, चलो। अब उसके बाद कहाँ आएंगे, नेगेटिव में पीछे, यहाँ पर कहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ sin -90। माइनस 90 का मतलब देखो, प्लस में ऐसे चलते हैं, माइनस में ऐसे, साइन माइनस 90 का मतलब सेकंड अक्षर -1, ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, पीछे उल्टा, साइन 90 के बाद क्या आता है, -180, -180 का अक्षर 0, क्लियर हुई ना बात। उसके बाद आगे चलो, साइन -180 के बाद आता है बेटा 273π/2, क्या है सेकंड वाला अक्षर, 1, राइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, समझ में आया अच्छे तरीके से। नेक्स्ट बेटा साइन 360 बोले तो -2π, माइनस लगा दियो भाई, -2π का अक्षर क्या है, 0, ये नेगेटिव वाले आगे। चलो सर अच्छे तरीके से समझ में आए, मैं बोलता हूँ समझ में आ गए भाई आपको, ठीक है ना, जैसे भी आए समझ में आ गए। अब ग्राफ बना दो, उसके बाद कुछ नहीं है भाई, ये प्लस वन ही सिखा रहा हूँ, प्लस टू में कुछ नहीं है, प्लस टू बिल्कुल आसान है। देख बिल्कुल ध्यान से समझो, साइन 0 0, पहले प्लस वाले देखो, साइन 91, देखो 90 पे क्या वैल्यू आ रही है, 1, यहाँ पर लगा दिया मैंने पॉइंट। साइन पाई 0, साइन पाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0, यहाँ पर लगा दिया, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई, ठीक है। साइन 3π/2 -1, 3π/2 की वैल्यू क्या आई, -1, ये आ रही भाई वैल्यू। साइन 2π की वैल्यू क्या आ रही, 0, बिल्कुल आराम से समझना, इस तरीके से हमारे पॉइंट बन रहे भाई, जैसे बिल्कुल ध्यान से देखो मैंने कैसे बनाए, इस तरीके से पॉइंट बन रहे हमारे, मेरी बात समझ में आ रही है ना अच्छे तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरफ बनाते हैं, इस तरफ भी वही अगर इस तरफ पॉजिटिव रखे ना, इस तरफ नेगेटिव रख दो, -90, ठीक है,
थोड़ा सा माइनस 180, माइनस 3π/2, और मेरे प्यारे बच्चे क्या रखोगे, क्या रखोगे, -2π, राइट। अब क्या किया देखो, साइन -90 की वैल्यू -1 -1 के बीच वाला सामने वाला पॉइंट, साइन -π की वैल्यू 0, ए ले भाई 0, साइन -3π/2 की वैल्यू 1, ए ले भाई 1, साइन 2π की वैल्यू 0, ए ले भाई 0। अब इसको मिला दो, देखो ए गया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मेरी बात समझ में आई ना, ये साइन का ग्राफ बन गया, आसान बन गया ना ग्राफ, ये साइन का क्या बन गया, ग्राफ, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब आते हैं +2 पे, अब आते हैं +2 पे। +2 कहता है कि इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स तो होना चाहिए बेटा आपका फंक्शन 1 1 और 1 2, इनवर्स तभी तो निकलेगा अगर आपका फंक्शन 1 1 और 1 2 है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री आपने समझ लिया, साइन तो समझा ना, बाकी बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना, इसमें ही टाइम लगेगा समझने में। अब मेरी बात समझो सर, अगर देखो मेरी बात समझो, ये देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, यहां से चले ऐसे 1 आया, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, इसका मतलब आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है। देखो ना मेरी बात समझो, ऐसे चले फिर नीचे उतर गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे उतर गए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फंक्शन रिपीट हो रहा है। देखो अगर ऐसे होता ना, एक बार ऊपर गया और नीचे आया तो रिपीट नहीं है, देखो ऐसे होता ना, देखो ऐसे ऊपर गया आपका फंक्शन रिपीट नहीं है। अगर मैं बोल दूं ए ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर देखो ना, इस पे भी वैल्यू वही, इस पे भी वैल्यू वही, सामने है ना एक दूसरे के, इस पे भी वैल्यू वही, इस पे भी वैल्यू वही, इसका मतलब आपका फंक्शन रिपीट है। और इनवर्स तो ऐसा नहीं सर कहता, इनवर्स तो कहता है कि हमारा फंक्शन रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हम फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, हम फंक्शन को छोटा बना देंगे, हम फंक्शन को काट देंगे। सर काट दोगे? हाँ जी। कैसे काटोगे मैं बताता हूँ कैसे काटेंगे। देखो मेरी बात समझो, यहाँ से स्टार्ट करो, सपोज करो अपने सोचे हैं यहाँ से ऐसे फंक्शन इंक्रीज हुआ हमारा, चला 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 चला, अब यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, मतलब फिर ऊपर उठेगा, तो मैंने कहा कि सर यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ मैं, उसके बाद तो मेरा फंक्शन क्या बनेगा, उसके बाद तो मेरा फंक्शन क्या होगा सर, डिक्रीज होगा ना ऐसे। तो मैंने कहा सर एक बार तो मैंने इंक्रीज वाला ले लिया, एक बार डिक्रीज वाला ले लिया, बात खत्म, मैं यहाँ से यहाँ तक ले देता हूँ, क्या यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा फंक्शन, ये देखो ऐसे ही तो चल रहा है। अगर मैं ये ले लेता ऐसी, ये स्ट्रिप ले लो, कोई सी भी एक स्ट्रिप ले लो ऐसे, मतलब जहां से आपका फंक्शन, जहां से आपका फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा, जहां से बेटा आपका फंक्शन रिपीट नहीं हो रहा। सर कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, चलो मैं एक बात और बता, अभी समझा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, एक दो बार देख लेना, ठीक है। चलो मैंने आपको कहा कि क्या कहा, मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश की कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, क्या आया भाई 180, 270, 360, राइट। मैंने इस तरीके से कुछ ग्राफ बनाया होगा, ठीक है ना, किस तरीके से बनाया था, इस तरीके से बनाया था, कुछ हिसाब लगा लो। अब देखो मेरी बात समझो, देखो बेटे बिल्कुल ध्यान से देखो, ये वैल्यू देखो, इस पॉइंट पे वैल्यू और इस पॉइंट पे वैल्यू, दोनों पॉइंट ऑफ सेम मिलेगी क्योंकि सेम हाइट अचीव कर रहे हैं, इस पॉइंट पे वैल्यू और इस पॉइंट पे वैल्यू सेम मिलेगी, सेम हाइट अचीव कर रहे हैं, लेकिन इनवर्स ट्री को ये कहता है कि आपका ग्राफ रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर सर आपका ग्राफ रिपीट नहीं होगा, सपोज करो आपका ग्राफ ये बन गया, ये आपका ग्राफ है, लेट्स सपोज कुछ भी मान के चलो ये आपका ग्राफ है, ठीक है ना, इसको ऐसे ऐसा ऐसा बता देता हूँ मैं, फिर एक ट्रिक भी बताऊंगा भाई, ठीक है ना, उस ट्रिक से आपको ज्यादा दिमाग पे जोर देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, एक ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन ना लो, सबसे पहले एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो। मैं बोलता हूँ कि इसका इनवर्स बनाओ, इनवर्स का मतलब होता है यहां से यहां, मतलब यहां से यहां, मतलब आप एक स्ट्रिप लोगे, एक ग्राफ को छोटा करोगे। नहीं समझ में आया सर, बिल्कुल नहीं समझ में आया, साइन तो समझ में आ गया, ग्राफ नहीं समझ में आया। अब मैं बोलता हूँ बिल्कुल ध्यान से देखो, अब आएगा समझ में, अब ट्रिक क्या है, ट्रिक नहीं है वो, ये वैसे कॉन्सेप्ट है, अगर डीप में जाके बनाएगी ये ट्रिक, बिल्कुल ध्यान से देखो। मैं बोलता हूँ बेटा साइन, बिल्कुल आराम से समझना, मैंने ग्राफ समझाया सर मेरी समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आया सर जो आपने समझाया, ठीक है, मैं बोलता हूँ साइन थीटा, मैं बोलता हूँ डोमेन, मैं बोलता हूँ रेंज, डोमेन क्या पुट किस, आपने बोला सर रियल नंबर कुछ भी पुट कर दो, आंसर क्या आएगा -1 से 1, मैंने कहा बहुत अच्छे भाई, आ गया समझ में। अब मैंने कहा कि बेटा इसको इनवर्स बनाने के लिए इसका ग्राफ छोटा कर दो,
इसको इनवर्स बनाने के लिए इसका ग्राफ छोटा कर दो। चलो जी, इनवर्स बनाने के लिए इसका ग्राफ छोटा कर दो। आपने क्या किया, आपने देखा कि सर साइन का तो ग्राफ ये होता है। मैंने क्या किया सर, ओरिजिन ले लिया, बाकी सारे एलिमेंट भूल गया मैं, ओरिजिन ओरिजिन ले लिया मैंने, ओरिजिन और ओरिजिन के पास के एलिमेंट ये ले लिया मैंने, ये ग्राफ बन गया। किस किस के बीच का ग्राफ बना, स्टार्टिंग में पॉइंट कौन सा होता है 90, फिर 180 ऐसे, यहाँ पर क्या होता है -90। आपने जब ग्राफ छोटा किया, ग्राफ छोटा किया तो इसका मतलब आपने डोमेन क्या ली, -90 और 90। और मैं बोलता हूँ अब तो ये साइन थीटा हो गया, इन ट्रिग्नोमेट्री हो गया, छोटा कर दिया ग्राफ। अब मैं बोलता हूँ इनवर्स में कन्वर्ट करो। इनवर्स का मतलब पता है क्या होता है बेटा, इनवर्स का मतलब कुछ नहीं होता, जो रेंज है उसको डोमेन बना दो। आ गया सर समझ में, जो रेंज है उसको डोमेन बना दो और जो डोमेन है उसको रेंज बना दो। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या अंतर है, जो रेंज होती है वो डोमेन हो जाती है, जो डोमेन होती है वो रेंज हो जाती है। बट हमने क्या किया, क्या किया हमने, जो रियल नंबर है ना उसको छोटा कर लिया, किसके बीच में लिया है, -90 और 90 के बीच में, ताकि हमारा फंक्शन 1 1 और 2 2 दोनों हो जाए, ताकि हमारा फंक्शन रिपीट ना हो, ताकि हमारा फंक्शन रिपीट ना हो। मैं बोलता हूँ आप ग्राफ बनाओ, आप बोलोगे कि सर साइन इनवर्स का ग्राफ ये लो। अगर आप पहले बोल देते, पहले बना देता, मैं बोलता हूँ अब बनाओ, सर ये लो, बना दिया, हाँ बना दिया ग्राफ। क्या बनाया, ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x डैश एक्सिस और ये आपके पास y डैश एक्सिस, ये पॉइंट जीरो। चलो सर अभी बना देते। सर देखो मैंने क्या किया था, इनवर्स में जो मेरे पास डोमेन थी वो नीचे लिखा था, जो मेरे, लेकिन यहाँ पर -1 1 है, मैं नीचे लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा 1 और यहाँ पर लिख दूंगा -1। डोमेन को नीचे लिखा करो, ठीक है ना, 1। आ गया सर समझ में, अब देखो मेरी बात समझ, इसको ऊपर नीचे लिख दो, 90 को यहाँ पर लिख दो, रेंज को ऊपर लिखा करो, डोमेन को नीचे। चलो साइन जीरो जीरो, साइन पर जब 1 पुट करेंगे, देखो डोमेन पुट करते हैं ना, साइन पर 1 पुट करेंगे तो क्या आता है, अरे 90 तो आता है साइन 91। साइन पर -1 पुट करेंगे -90, तो इसको ऐसे बना दो, डायरेक्ट ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी भाई, इस तरीके से बनाना है, देखो ऐसे और ऐसे, नहीं दिखा, नहीं दिखा भाई, नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा है ना, बिल्कुल भी नहीं दिखा है ना। हाँ जैसे मैंने क्या किया, एक बार और समझा देता हूँ अच्छे तरीके से आपको, बुकों में किस तरीके से दिया हुआ वो भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, आपको पता लग गया ना, साइन की डोमेन रियल नंबर रेंज -1। मैंने क्या क्या छोटा कर दिया, 90 से 90 लेके आ गया, उसके बाद इनवर्स में कन्वर्ट किया डोमेन को रेंज में, रेंज को डोमेन। अब मैंने क्या ट्रिक लगाई ये भी बताऊंगा, मैथ में क्या है भाई, ठीक है ना, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ओके। मैंने किया 1, मैंने किया -1, डोमेन यहाँ, रेंज को यहाँ, 90 और -90। गोपाल टाइम नहीं लगता ग्राफ बनाने में, अगर इस तरीके से बनाएगा साइन 1, देखो एक तो स्टार यहाँ लगाना 1 और 90 के बीच में, -90 और 1 के बीच में, इसको ऐसे और इसको ऐसे, क्लियर हुआ ना, ऐसे इसको ऐसे ही तो था साइन का ग्राफ, कुछ याद आया हो ऐसे, है ना, ऐसे ही तो था। मैंने क्या किया, मैंने बीच के ये एलिमेंट ले लिए, ये जो जो कभी रिपीट नहीं हो रहे, मेरी बात ऐसे ही तो था, ऐसे ऐसे, तो मैंने क्या किया ओरिजिन वाला ये ले लिया, ये मेरे पास किसका ग्राफ बन गया भाई, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है ना, ये किसका ग्राफ बन गया भाई, साइन इनवर्स एक्स का। अब एक ही टॉपिक हुआ अभी प्लस टू का, और आज कितना आसान था ना, क्या पढ़ना पड़ गया इसमें, इसमें हमें पढ़ना पड़ गया भाई, क्या पढ़ना पड़ गया, 11th, क्या दोबारा देखते हैं हम, मैंने किसका ग्राफ बनाया था भाई, साइन इनवर्स एक्स का, किसका ग्राफ बनाया था भाई, साइन इनवर्स एक्स का। चलो डोमेन क्या होती है, साइन एक्स की भी याद रखना, अगर नॉलेज के लिए याद रखना चाहते हो, ठीक है ना, डोमेन क्या होती है, डोमेन क्या होती है, -1 से 1, रेंज क्या होगी, -90 से 90। ग्राफ बनाते हैं, यहां से नोट्स बनाना स्टार्ट करना, ठीक है ना, ग्राफ भाई हर एक प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे आराम आराम से, बस समझते रहना, साइन इनवर्स ग्राफ बनाएंगे भाई, साइन इनवर्स एक्स, राइट, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अभी बना देते हैं ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्या ऐसे गया, चल भाई तू चल, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, राइट। अब देखो ओरिजिन, सबसे पहले डोमेन लिखो एक्स पे, -1 मतलब इधर तो लिख नहीं सकते, 1 है इधर, -1
नेगेटिव वाले में माइनस, सॉरी नेगेटिव वाले में नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव, ऊपर लिखेंगे -90, नीचे लिखेंगे -90। बनाओ आप ग्राफ, देखो वन पुट करेंगे 90 साइन 90 साइन 190, अरे साइन 91 है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, यहाँ पर क्या था -90, यहाँ पर क्या था 90, और ये क्या था साइन -91 अभी किया था। अब इसको ऐसे बना दो, ऐसे ये बन गया आपके पास ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। किसका ग्राफ बन गया भैया, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ओके, अब देखो भाई एक तरीका और देखो, ठीक है ना। ओके, अब सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखो क्या तरीका था। ये आपके पास एक सर्कल है ऐसे ऐसे, यह था 10, यह था 01। अब तो आपकी याद हो गया होगा -100 -1, राइट, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं इसको है ना इस तरीके से बना देता हूँ। देखो साइन का ग्राफ बना दो, सबसे पहले साइन का ग्राफ बना दो, इनवर्स का बनाना सीख दोगे। देखो 90 180 270 360 90 180 270 360, क्या है था भाई साइन 91 साइन 91, उसके बाद जीरो, उसके बाद क्या आता बेटे -1। इस तरीके से ग्राफ बना था ना, इसको भी ऐसे बना देंगे। सपोज करो ये आपके पास साइन का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है भाई साइन। ओके, अब बिल्कुल ध्यान से देखो, अब इसकी देखो बिल्कुल ध्यान मतलब है ना इस तरीके से देखो कि देखो जो इनवर्स है ना वो ट्रिग्नोमेट्री की मिरर इमेज होता है। इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की मिरर इमेज होता है। सर समझ में नहीं आया, अरे मिरर बना दो, आइसोमर में नहीं बनाते थे तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सिस ट्रांस कभी गलती से किया हो, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही काम करेंगे। देखो मिरर, सपोज करो ये मिरर खड़ा कर दे, ये ऐसे पढ़ा ना, ऐसे पढ़ा है, इसको इसकी मिरर इमेज कैसे बना दोगे, अरे पढ़े हुए कि ऐसे बना दो, ऐसे पढ़ा तो ऐसे बना दो। अब ये ऐसे ऊपर उठा हुआ है, इसके नीचे बना दो और इस सभी को साफ कर दो। यही तो ग्राफ बनाते थे आप, यही तो ग्राफ था। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई भाई, अगर क्लियर हुई हो तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भाई नेक्स्ट टॉपिक को कल, ठीक है ना। कल हमारे सभी ग्राफ कंप्लीट हो जाएंगे, आज थोड़ा सा बेसिक बताया था। आई होप आप अच्छे तरीके से पढ़ के आओगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।